बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑथेंटिक इंडियन फूड रेसिपीज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम एक ऐसी डिश आपके साथ में शेयर कर रहे हैं कि जिसे बहुत यूनिक माना जाता है, यानी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ही ऐसे कि जो चीज़ें हम फेंकने वाली होती हैं ये फेंक देते हैं आमतौर पे, घरों में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ऐसी चीज़ों से भी ऐसी मतलब सब्जियों के छिलकों से भी जो है हम बहुत अच्छी और टेस्टी डिश बना सकते हैं। तो आज हमने ये तुरई ली है और तुरई की हम सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये तुरई के छिलके निकले, ये तुरई है, ये जो किनारों वाली तुरई होती है ये तुरई नहीं है, ये तुरई है, इसको लेना है। और ये जो है बहुत बड़ी और बहुत मोटी वाली, सख्त बीज वाली और कड़क छिलके वाली नहीं लेना है, ये कौली वाली है, नरम है, सॉफ्ट है। और इसके जो छिलके होते हैं ये बड़े लजीज और बहुत अच्छे बनते हैं। इसका जो है हम ठेचा भी बनाते हैं, इसका जो है हम चटनी भी बनाते हैं और इसमें शामी कबाब भी बनाते हैं। और शामी कबाब भी इतने अच्छे बनते हैं कि आप शनाख्त नहीं कर पाओगे कि ये छिलकों किस चीज़ के बने हैं, यानी कि कीमे के हैं, गोश्त के हैं या किस चिकन के, पता नहीं किस चीज़ के। और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। तो ये फेंकने की बजाय आज के बाद आप ये कभी छिलके नहीं फेंकोगे और इसका यूज़ करोगे। तो आज मैं ये रेसिपी आपको बता रही हूँ। इस रेसिपी के लिए और जो अज़ा दरकार होंगे वो मैं आपको इसके बाद बताती हूँ। नाज़रीन, ये तुरई के जो छिलके थे हमने इसे बारीक कट कर दिया है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और ये तकरीबन 600 ग्राम तुरई थी, उसके छिलके हैं। हमने एक कटोरी चना दाल ली थी और इसे आधा घंटा भिगो दिया है। आप ज़्यादा भी भिगा सकते हैं, घंटे तक भी भिगा सकते हैं, इससे क्या होता है उसका दाना जल्दी फूट जाता है। एक आलू लिया है, कच्चा आलू, इसे छील के पानी में डाल के रखा है। इसके टुकड़े करेंगे और ये भी इसमें शामिल करेंगे। ये एक छोटी प्याज है, इसको मोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये दो सूखी मिर्चें हैं, इसे हमने टुकड़ों में तोड़ लिया है। ये लहसुन है एक जुआ, ये अदरक का टुकड़ा है 1.5 इंच का, ये हरी मिर्चें हैं 4 अदद और 1 चम्मच ज़ीरा है। इसके अलावा ये धनिया पाउडर है, ये 2 टीस्पून है, और हल्दी है 1 टीस्पून, और गरम मसाला पाउडर है ये 1 टीस्पून है। इसके अलावा हम जो है तेल और नमक का इस्तेमाल करेंगे, और हरा धनिया और पुदीना और जो भी हमको मिलाना है बाद में आटे में कबाबों में तो हम बाद में शामिल करेंगे, उसको बाद में दिखाते हैं। अब ये सब चीज़ों को क्या करना है, हमें कुकर में डाल के चढ़ा देना है। ये हमने कुकर का एक बर्तन ले लिया कुकर का, और इसमें क्या करते हैं ये सारी चीज़ें डालते हैं और इसको 3 सीटी तक हम उबाल लेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसके बाद आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमने ये चना दाल और ये आलू के जो टुकड़े कर लिए हैं, ये आलू के टुकड़े और ये जो है तुरई बारीक कटी हुई, ये डाल दी है इसमें। और उसके अलावा ये मसाले जो है ये भी डाल देंगे हम सारे, हल्दी और धनिया पाउडर भी डाल देते हैं। गरम मसाला भी हम नहीं मिलाएंगे क्योंकि गरम मसाला जो है उसकी खुशबू निकल जाती है, इसको गरम मसाले को हम बाद में डालेंगे। और नमक शामिल कर देते हैं थोड़ा, बाद में टेस्ट करेंगे, अगर कम लगा तो और डाल देंगे। और पानी हमें बहुत कम मिलाना है, अभी हम जो है पानी सिर्फ दाल गलने के हिसाब से ही मिलाएंगे, ताकि ये पूरा जो है बस काफ़ी है इतना पानी। और अभी कुकर का ढक्कन हम बंद कर देते हैं और इसको गैस पे रख देते हैं। नाज़रीन, ये हमारी दाल और आलू बहुत अच्छे से गल गए हैं, आलू भी गल गए हैं, दाल भी गल गई है, तुरई के छिलके भी गल गए हैं, और सब पानी सूख गया है और बहुत अच्छे से गल गया है सब चीज़ें। अब ये गरम मसाला जो हमने रखा था ये हम इसमें मिला देते हैं, इसको ठंडा करेंगे और इसको पीस लेंगे, और पीसने के बाद में फिर आपको दिखा। नाज़रीन, ये हमने पीस लिया है, तुरई का मसाला तैयार किया था। ये प्याज लिए हमने, एक अदद प्याज है छोटी वाली, इसको बारीक काट लिया है, ये हम इसमें मिला देंगे। ये 2 हरी मिर्चें हैं, इसे भी हमने बारीक काट लिया है, ये भी मिला देंगे। और ये हरा धनिया है, पुदीना भी मिलाना था लेकिन पुदीना हमारे पास अब था नहीं, तो हमने हरा धनिया थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया है। थोड़ा थोड़ा करके मिलाते हैं और खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसकी टिकिया बनाते हैं और फिर आपको फ्राई करके दिखाते हैं। अभी हम इसके टिकिया बना रहे हैं, थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लिया हमने ताकि हाथ में ना लिपटे, और ये इस तरह से छोटी बड़ी जैसी आपको चाहिए आप उसको बना सकते हैं। हमने यहाँ पैन में तेल भी रख दिया है और ये हम साथ में फ्राई भी करते चले जाएंगे। नमक आप यहाँ पर इस स्टेज पे चेक कर रहे हैं, नमक मिर्च अगर आपको लग रही है कम है तो आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धीमी आंच पे ही सेकना है ऐसे, बहुत तेज़ नहीं करना है। और सारी बना लेते हैं हम, सारी सेक के फिर आपको दिखाते हैं।
ये हम इसे सेक रहे हैं, शैलो फ्राई कर रहे हैं, कम ऑयल में ही सेकना है और अच्छा सुनहरा कलर आने तक इसको सेक लेना है। सब कबाब सेक लेते हैं और फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो लीजिए नाजरीन, ये हमने कबाब जो है तुरई के छिलकों से बना लिए हैं और बहुत क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बने हैं, और आप इसे ज़रूर बनाइएगा। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।